से 31 सजा मिलेगी, 31 सजा मिलेगी, लग जाएगी तो ये शिकायतें 100% खत्म हो जाएंगी। मैं आपसे वादा कर लगा कर देंगे जी। ये देखो जी, ये भी तक देंगे बट्टे, ये भी हो गया जी। जयप्रकाश के घर से IBP रोड, ये फिर भी है, ये कौन सा बजट में कराओगे? इसकी कोशिश करो ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, उसका प्लानिंग करो। अल्लाह से तो फिर कल में 17 रुपए की ऐसी दुकान बैठाओ, काम करो, बनाओ इसको। मैंने करवाए मेरे जिले में 60 करोड़ काम हुआ, लोगों के रास्ते बन गए, लोगों के पता नहीं क्या क्या सुविधा मिल गई। इस बजट को आप सेंटर से कितना लिया, सेंटर के दूसरे को बनाए, सिर्फ हम इस पर काम नहीं करते और काम ना करने की वजह से इन लोगों को लाभ नहीं मिलता। इस पर करना पड़ेगा, आपको कैसे बनाना है वो आप तैयार करेंगे, क्योंकि अपने पशु वाले छोड़ अभी भी साफ कराने हैं, घर को भी काम मिलेगा और साथ में डेवलपमेंट भी होगी। इस पोस्ट में डलवाओ आगे एक लांडवी रोड से धर्मवीर गंगा की दहाड़ी तक ये खेत का रास्ता है, इसमें आपको अलग अलग प्रस्ताव दो, अलग आप इसकी बात करो। एक तो हमारी जो योजना है कल्याण वाली, उसमें 25 किलोमीटर की है, या तो उसमें करवा देंगे या दूसरा करवा देंगे, ये भी करवा के दे देंगे। गाँव के अंदर ये चौपाल है, आप क्यों बनवा रहे हो जब आपको सेंटर ना मिले? सरकार तो सबको एक जगह पे काम लेके आने चाह रही है, फिर आप इसको डिवाइड कर रहे हो, ये बनी है ये पहले? हाँ तो फिर तो ठीक है, चलो ठीक है जी। ये आपकी लगभग जी, ये तो इनका आठ मांग दी थी सरपंच साहब ने, ये लगभग काम होने वाले हैं, सारी मजदूर करते हुए इनका हम बजट आपको देने का काम करेंगे। और अधिकारियों को मैं निर्देश आज ही जारी कर लगे होंगे, और लेटर आपके पास 3-4 दिन में आ लेगा, जिससे फटाफट से 15 दिन के अंदर कहाँ जाकर इनका गाँव में गया, मैं टिक मार के दूंगा आपको। मान लो गाड़ी मांगे इसमें, तो अगर हमने वहाँ गांव के अंदर करोड़ का काम भेजना है, 2 का भेजना है, 5 का भेजना, मैं ठीक करूँगा उनके फटाफट तौर से उसके एस्टिमेट बना के उनको भेजने का काम करो। इसके बाद और कोई मांग और तो सर को क्या भारी होगा, करवा देंगे। और भी कोई मांग पत्र किसी का हो वो अपना दे सकता है, चाहे अपना पर्सनल कोई काम हो वो भी दे सकता है। है जी, और है, है जी, है जी, है जी, है दे यार, और पतला कौन दे। ये पब्लिक हेल्थ की फिर शिकायत है भाई, इस गाँव में पब्लिक हेल्थ के आ जाओ अधिकारी, पब्लिक हेल्थ SDO का आप एक्सीन है भाई, आप SDO साहब है, यही है सारा करें ये सारा का सारा पैसा खा गया जी। आगे बहुत मराया है लोगों ने पार्टियां पीछे भी लेबर को नहीं सारे मिल के खा दे दू इतना दू बताओ SDO और ये इनका RTI भी लगवाई थी जी, मेरी हाथ उठ जोड़ के उस पर साइन करवा दिए, और वो किसने लगाई थी मीडिया मिलेगी कितने लोग जोड़े शाम तक मैं सुनते मैं सुनूंगा क्या उत्तर फैसले किसी हमने गलत भावना से नहीं लेने, लेकिन जन इसके फैसले करो के लेने पड़ेंगे। 15 दिन पता भाई क्यों लेगा देखो ये आप लोग कहें तो लग रहा शिकायत फिर बुरा मानोगे, जब ये काम हुआ था ठेकेदार ने जाके पहले दिन इसका काम के कर कितने रुपया है पूछ रखी है, निगरानी कमेटी कमेटी में इतनी देर पूछ लाया हूँ 1.5 करोड़ किसी ले गया लगे हमने जी 1.5 करोड़ तो ऊपर। हाँ वही तो कह रहे हूँ, जब ये टेंडर लग गए उस पर जाके पूछ लेना, पूछे रोज पूछे थी मेरे जिसे लग गया खेल तो रहे हैं मन नहीं को नहीं है मन की शिकायत करते एक्शन लेते सरकार आज कर रही है किसी ने मैं उन लोगों को जागरूक करने लग गया हूँ कि हमें कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जब सारा काम खराब होने हैं
फिर आप सारे के सारे परेशान हो जाए, उसकी शिकायत को लिख दिया। सुनो अपने काम को जांच करनी शुरू होता, अगर गलत काम कोई कर रहे हैं इससे कोई भाईचारा नहीं, कोई भाईचारा नहीं। उस आदमी जो गलत काम करता पैसे का उसको पक्षुआ नहीं, ये कह के जान लग रहा हूँ। लेकिन ये बनाने के बाद आके उसकी शिकायत करना, मैं उतना ही कसूरवार जो करप्शन करने वाला है उसको मानता हूँ, जो उस काम को पहले दिन नहीं रोकता। पहले दिन रोकना पड़ेगा उस काम को, गलत काम हो रहा है हमें उसको रोकना पड़ेगा। अगर पैसे का दुरुपयोग है उसको हमें रोकना पड़ेगा। और जब आम जनता इस बात को समझ लेगी, इस काम पर लग जाएगी, तो ये शिकायतें 100% खत्म हो जाएंगी, मैं आपसे वादा कर लग गया। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात सुनो। एक अपनी गली रोक रखी है, ये ऑफिस में जाके मिल लेना, और मैं कहा कि तुझे पेपर बना जाएंगे देते रहे। सही रखो मीडिया वाले, किस चीज की है? क्या तो दिया मैं मुझे मिलना चाहते तब पता करें।